हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CA20 का बैक पैनल सेटिंग किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए ताकि हमारा स्पीकर नहीं जले, कम स्पीकर खराब हो, और किस मोड में आपको चलाना चाहिए, कितने सेंसिटिविटी में आपको रख के चलाना चाहिए, लिमिटर को ऑन रखना चाहिए या फिर नहीं। हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप सीख पाओगे कि CA20 का बैक पैनल सेटिंग किस तरीके से किया जाता है और सही तरीका क्या है। तो इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, DJ इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CA20 एम्पलीफायर का बैक पैनल, ठीक है। तो हम जो सेटिंग आपको बता रहे हैं यही सेटिंग आपको करना है अपने एम्पलीफायर में, CA20 रहे या फिर CA18 रहे, मतलब CA18 रहे, ठीक है। तो यही सेटिंग आपको करना है अगर स्पीकर आपका जल रहा है, बार बार खराब हो रहा है। टॉप के लिए क्या सेटिंग है, बेस के लिए क्या सेटिंग है, तो हम दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। और जो बेस्ट सेटिंग होगा वही हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चैनल इनपुट और चैनल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो इनपुट मिल रहा है और दो आउटपुट मिल रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आता है इसका सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे आप सेंसिटिविटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मिल रहा है 0.775 V, उसके बाद फिर 1.0 वोल्ट, फिर यहाँ पे 1.4 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको एम्पलीफायर से ज़्यादा आवाज़ निकालना है, ठीक है, जैसे कि गेन कम खोला तो आवाज़ ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो उसी को सेटिंग अगर आपको करना है, जैसे कि आवाज़ आपका ज़्यादा निकले तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करना होगा, मतलब यहाँ पे आपको ऊपर में रखना होगा। अगर थोड़ा आपका मीडियम में चाहिए तो 1.4 V पे, सॉरी यहाँ पे 1.0 V पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है, तो ये सेंटर में चला गया। और आवाज़ कम रखना है तो यहाँ पे करना, ठीक है। अब बात है इसका, जैसे कि हमको चलाना है ब्रिज मोड में या फिर पैरेलल या फिर स्टीरियो, कौन से मोड में चलाएं जो कि बेहतर चलेगा। तो ऑपरेशन मोड में आपको यहाँ पे स्टीरियो मोड में रखना है, पैरेलल मोड में भी आपको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आउटपुट है उतना, जैसे कि दो आउटपुट आप कर सकते हैं यहाँ पे, आप स्टीरियो मोड में इसको रखिए, नहीं तो फिर पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खासा डिफरेंस नहीं होने वाला है। सिंगल इनपुट डुअल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चैनल में लिंक करोगे तो यहाँ पे दो आउटपुट आपको मिलेगा। स्टीरियो में होगा कि यहाँ पे जैसे कि इसमें हम रखते हैं, ठीक है, दो इनपुट करना होगा तो दो आउटपुट आपको मिलेगा। अब पैरेलल में एक इनपुट दो आउटपुट, और ब्रिज मोड में क्या होगा, एक इनपुट करना होगा और ये जो प्लस और प्लस देख रहे हैं ना यहाँ पे लाल लाल जो दिया हुआ है, ये आपका प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और चैनल ए का जो गेन वॉल्यूम है वो काम करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों चैनल का जो है आउटपुट मर्ज होके एक चैनल में सिंगल निकलेगा। और यहाँ पे ब्रिज मोड जो दिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, इंडिकेटर जो है येलो कलर का, ये आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। CA20 के बैक पैनल में यहाँ पे दिया गया है ये चीज़। उसके बाद फिर नीचे आते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको हाई पास और लो पास का स्विच मिला है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे कि अगर आप टॉप चला रहे हैं तो टॉप चलाने के लिए आपको यहाँ पे हाई पास को ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बेस चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे लो पास को ऑन करना होगा, ठीक है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको 150 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज का हाई पास का स्विच मिल रहा है और 150 हर्ट्ज लो पास का स्विच मिल रहा है। तो लो पास में क्या होगा कि जो आपका बेस स्पीकर है यहाँ पे आपका हाई पास को अगर ऑन रखोगे तो वो फ्रीक्वेंसी और ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिलके जाने लगेगा। अगर आपको बेस चलाना है तो इसको ऑन करके आपको रखना होगा। तो ये होगा कि आपका जो भी मतलब बेस फ्रीक्वेंसी है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी है, वही आपका स्पीकर में जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका स्पीकर और अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाएगा, सुनने में और अच्छा लगेगा, और ये होगा कि स्पीकर में जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो जाएगा वो भी नहीं जाएगा अगर आपके पास क्रॉसओवर नहीं है, ठीक है। तो ये सेटिंग से आप अपने बेस को भी चला सकते हैं। उसके बाद फिर आता है लिमिटर, ये है सबसे डेंजर चीज़, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो क्या होगा कि लिमिटर के पार जो मतलब ये एम्पलीफायर में जो भी सिग्नल होगा वो आपका क्या करेगा, स्पीकर तक जो है आपका सिग्नल वो दे देगा। तो हमको लिमिटर को ऑन करके ही चलाना चाहिए, यहाँ पे हम इसको ऑन कर देते हैं, इस तरह से आपको ऑन रखना है, ठीक है।
लिमिटर को ऑन इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एम्पलीफायर का जो भी एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे कि एक्स्ट्रा जो भी ये प्रोड्यूस करेगा करंट, मतलब आउटपुट जो जनरेट करेगा, वो आपका स्पीकर अगर हैंडल नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आपका स्पीकर जलने का चांस है। पी ऑडियो का 1000 वाट का स्पीकर ये एम्पलीफायर फूकने में देर नहीं लगाया तो आप सोच सकते हैं कि अंजाम कहाँ तक जा सकता है। तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करते हुए आपको लिमिटर ऑन रखना है और कोशिश ये करना है कि आपका स्पीकर भी जो है मैच कर जाए इसके वाट से, मतलब जो भी स्पीकर है अगर 1000 वाट का चला रहे हैं तो थोड़ा गेन को कंट्रोल करके चलाइए, 1200 वाट का चला रहे हैं या फिर और 1500 वाट का चला रहे हैं तो फिर आराम से चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसिविटी और गेन का, यहाँ मतलब यहाँ पे जो लिमिटर है और सेंसिविटी है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन से हम आपको बताते हैं कि आपको कितने पे रख के चलाना चाहिए, 1000 वाट का स्पीकर या फिर 1200 वाट का स्पीकर है। तो अगर जैसे कि आपका 1000 वाट का स्पीकर है, जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे जितना आप इसको कम पे रखोगे उतना आवाज़ ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब जनरेट करेगा ये एम्पलीफायर, ठीक है। तो आपको रखना चाहिए यहाँ पे, अगर आपका 1000 वाट का स्पीकर है तो आप इसको 1.4 भी पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको गेन थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ेगा, उससे ये डर खत्म हो जाता है कि हमारा स्पीकर जलने का चांस कम हो जाता है। जैसे कि 1200 वाट का स्पीकर है तो आप इसको 1 वोल्ट पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे चाहो तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इससे होगा कि थोड़ा आपको जो है ना एम्पलीफायर का जो है बूस्ट ज़्यादा मिलेगा, मतलब ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा और थोड़ा सा गेन कम खोलना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाता है। अगर स्पीकर फूक रहा है तो आपको यहाँ पे इस पे रखना चाहिए या तो इस पे भी चला सकते हैं। कमज़ोर स्पीकर है तो मतलब थोड़ा सा वार्ड में कम हो गया है स्पीकर, तो आप यहाँ पे रख के चला सकते हैं और गेन को मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। तो गेन मेंटेन करोगे तो आपका स्पीकर जलेगा नहीं, आप मिक्सर से इसको हैंडल कर ही सकते हैं। तो दोस्तों यही था CA20 के बैक पैनल का सेटिंग कि हमको किस तरीके से करना चाहिए, कितने सेंसिविटी में चलाना चाहिए, हम आपको सब कुछ डिटेलिंग में बता दिए। तो ये वीडियो देख के आप अपने एम्पलीफायर में भी ये सेटिंग्स कर सकते हैं और स्पीकर को जलने से बचा सकते हैं। अगर CA20 के बारे में डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कितना ओम पे कितना आउटपुट वो देता है, तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।